रांची के राजेश कुमार ठाकुर सड़क के किनारे सलून चलाकर अपने घर परिवार का जीवन यापन करते थे। कोरोना काल के दौरान इनका काम पूरी तरह से ठप हो गया। बाद में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाकर इन्होंने अपने व्यापार को और अधिक विस्तार दिया। आज वे सलून के साथ मास्क की दुकान चला रहे हैं। योजना के तहत जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 10,000 रुपए दिया गया, उसका 10,000 से लॉकडाउन में जो है उनका स्थिति बहुत खराब था। इन दुकान वाले लोग का तो नहीं के बराबर था, नग्न था अवस्था, जिसके लेके जो मास्क का दुकान खोले हैं उसमें 2-4 रुपये मेरा मतलब हो जा रहा है, जो रोजी रोटी में थोड़ा सा आराम है। नहीं तो अन्यथा तो हम तो बाल दाढ़ी बनाने में भी लॉकडाउन छूटने के बाद भी कमाई नहीं हो पा रहा था। राजेश कुमार ठाकुर के कारोबार में आई गति को देखकर उनके साथ के अन्य फुटपाथ दुकानदारों में भी उम्मीद की एक नई किरण जगी है। जूते और चप्पल की दुकान चलाने वाले जफर हुसैन अंजुम और मोहम्मद अंजर ने भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। अभी सरकार द्वारा जो ये आरंभ किया गया स्वनिधि योजना, इसके तहत इसमें 10,000 रुपया दिया जाएगा, जिसमें से 7% ब्याज सरकार देगी और 3% मुझे खुद पे करना होगा। ये बहुत अच्छा योजना है, इससे हम लोग को ताकत मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। फुटपाथ कारोबारियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए प्रयास लगातार जारी हैं। रांची में इन दिनों विशेष कैंप लगाकर अधिक से अधिक वेंडर्स को जोड़ने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये की लोन राशि उपलब्ध करानी है बैंक के माध्यम से। इसके लिए इन लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना था। हम लोगों ने रांची नगर निगम में जुलाई से ही ये कैंप लगाकर अप्लाई करवाए, परंतु हमारे सभी वेंडर वहां तक नहीं जा पाए। इस हेतु हम लोगों ने यहां कैंप लगाया है बाजार में, ताकि सभी वेंडर ऑनलाइन अप्लाई कर सके लोन के लिए और उन्हें लोन राशि उपलब्ध हो सके। स्ट्रीट वेंडर्स के दुख दर्द को समझते हुए केंद्र सरकार ने जून महीने में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत फुटपाथ कारोबारियों को 10,000 रुपए लोन दी जा रही है, वो भी बिना किसी बैंक गारंटी के। लोन की पूरी प्रक्रिया को प्रोसेसिंग चार्ज से भी मुक्त रखा गया है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट।